दोस्तों, ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं बिल्कुल डेड है। इसको हम रिपेयरिंग करेंगे और अच्छे से चलाएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये फ़ैन जो मेरे पास है, मैं इसको अच्छे से रिपेयर करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं पूरा डेड है, पूरे जाली पूरे ख़राब हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने डस्ट लगे हुए हैं। ये मैंने कबाड़ी में से लाया था, ख़रीद के ये कबाड़ी में से ही लाया था और बहुत ही बिल्कुल बेकार ही दिख रहा है। तो हम इसको पूरे अच्छे से इसको तैयार करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका कंडीशन ही है, कुछ चलता उलता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मोटर है, अंदर कॉइल लगे रहते हैं, इसके अंदर कॉइल जो लगे रहते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से है, तूफान कंपनी का आता है, यहाँ पर लेबलिंग किया हुआ है तूफान का है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जाली निकाल लेंगे दोस्तों। तो जाली निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हटाना है आपको, कुछ इसी तरह से ब्रैकेट किया हुआ है यहाँ पे हटाना है। यहाँ से देख सकते हैं कुछ, तो एक दो तीन, इसमें चार ब्रैकेट है, यहाँ भी एक, तो इसको हम हटा लेंगे तो ये जाली हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको खोल लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ ये बोल्ट निकालेंगे, खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं, ये जाली को मोटर से पहले निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका यही है, आप या पकड़ या पिलास, आपके भाषा में जो भी बोलता है, इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से कर देना है। जैसे कि देख सकते हैं ये निकल जाएगा। सभी को हमें स्टेप बाई स्टेप जितने भी कर दिया सभी को, तो इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला निकल गया है। इसमें भी हम अच्छे से बनाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खोल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके बोल्ट पड़े हुए, देखिए यहाँ पर स्क्रू है, एक दो चार स्क्रू, दो इस तरफ से है, यहाँ पर देख सकते हैं एक दो इस तरफ से स्क्रू है और यहाँ दो इस तरफ से स्क्रू होते हैं। तो इसको भी हम खोल के हटा लेंगे। तो उससे पहले, खोलने से पहले हम पहले इसको ये हटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पहले पंखा का पंखड़ी जो होता है ये खोल लेंगे। यहाँ इसके बोल्ट बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक बोल्ट देख सकते हैं। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, फिर इसको खोल के निकालेंगे। चलिए, तो ये कुछ मैंने स्क्रू ड्राइवर से इसको लूज़ कर लिया है बोल्ट को। और ये देखिए पंखड़ी, ये कुछ इस प्रकार से निकल जाता है। चलिए हम इसको भी साइड में रख लेते हैं, इसको अच्छे से बाद में सफाई करना है। तो देख सकते हैं अब मैंने इसका जाली भी पूरे निकाल दिया है। अब हम यहाँ से इसमें खोल के देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। ये बोल्ट होता है, दो बोल्ट होते हैं मोटर में, एक यहाँ पर लगे रहते हैं, एक यहाँ पर लगे रहते हैं। तो इसको दोनों को खोल के इसको निकाल के देखते हैं कॉइल का कंडीशन कैसा है। देख सकते हैं दो बोल्ट होते हैं इसमें मोटर में, तो हमें इसको ही खोलना है। तो चलिए हम दोनों को खोल लेते हैं, किधर से भी हम खोल सकते हैं। ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये घूमने के लिए होता है। जैसे कि अगर फैन आपके चालू है तो ऑटोमेटिक ये घूमता रहता है, उस प्रकार से मोटर को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। यहाँ पे बॉल बैरिंग किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें उसका काम नहीं होता है दोस्तों, ऑफिस के लिए सही, अगर होम में चलाना है तो इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हटा ही डालेंगे इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें निशान लगा लेना होगा, क्योंकि अगर निशान हम लगाएंगे तो ही हम अच्छे से इसको यहाँ कुछ इस पर कैसे निशान लगा देंगे। जैसे वैसे हमें वापस लगा लेना है, निशान रहेगा तो हमारा मोटर अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकल गया हुआ है हमारा। अब हम इसको, ये जो सापट होता है उसको भी हमें निकालना है। सापट निकालेंगे थोड़ा सा, अगर आगे आप ठोकते हैं हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से साफट है, साफट को हमें अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल का कंडीशन, कॉइल का बहुत ही बुरा हाल है, पूरा बुरी तरह से कटा हुआ है कॉइल है, ये भी टूटा हुआ है। तो ये हमें, ये रिपेयरिंग कॉइल नहीं होगा, तो हमको इसको कॉइल को निकालना पड़ेगा, अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। निकाल के हमें कुछ इस प्रकार का कॉइल आता है, देखिए सेम है, वाइंडिंग मैंने किया हुआ है क्योंकि मेरा फैन का दुकान है, तो इसका काम हम करते हैं, पहले से वाइंड किया हुआ है। तो हम इसको इसमें डालना पड़ेगा हमें ऐसे। तो चलिए पहले इसको निकालेंगे, फिर अच्छे से सफाई करेंगे और फिर इसको डालेंगे इसमें। सफाई करने के लिए दोस्तों आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये जो देख रहे हैं दोनों बूस होते हैं, एक इसमें बूस लगे, आगे बूस लगे होते हैं, तो बूस को आपको अच्छे से सफाई करना पड़ेगा ताकि ये फैन जाम ना हो और अच्छे से चले। तो ब्रश से आप कुछ इस हद तक इसको साफ कर सकते हैं और कपड़े से भी कर सकते हैं।
तो हमें कुछ इस प्रकार से सफाई कर लेना है। और ये कॉइल जैसे लगाएंगे हम तो उसमें निशान लगाना लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारा ये जो मेन वाला स्टेटर है वो कहाँ पे लगेगा, तो सभी चारों पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कि ये दो तीन चार एक लगे हुए चार जो इसका कवर किया हुआ है जो ये कॉइल का स्टैंड है, तो उसमें हम निशान लगाएंगे ताकि हमको पता चले कि दूसरा कॉइल हमें कहाँ लगाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉइल का, अगर ये आप चाहे तो ये भी कॉइल आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, किसी और में लगा सकता हूँ, बाद में रिपेयरिंग इसको हम कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे गिनती कर लेना, 18 इधर भी है 18 इधर है, तो इस प्रकार से अगर दोनों को अच्छे से छील के दोनों में ज्वाइन कर देते कोई वायर लगा के, तो ये हमारा पंखा ये कॉइल हमारा रनिंग में आ जाएगा। तो हम दोस्तों इसमें ये जो है इसमें भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे स्लिप कटिंग करके यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम दोस्तों इसमें नहीं लगाने वाले, हम इसमें ये वाला लगाएंगे नया वाइंडिंग वाला। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे निशान लगा लेना है हमें कितना फिट करना है इसको। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे थोड़ा ठोक ठोक के, यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला निकाल ले पहले, कुछ इस प्रकार से इसको निकाल ले, और यहाँ पे आप यहाँ पे ठोक ठोक के पंच लिया हुआ है, जिससे दीवार में लोहे में पंच लगाने वाले, इससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे होल सभी में दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसमें दबा के आगे से या पीछे से निकाल सकते हो। तो अगर निकालना है तो कुछ इस प्रकार से आप रख के हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, पुश कर माइक लगा रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने निकाला है उस प्रकार से हमें इसको सफाई कर लेना है। जैसे हमने निकाला है अच्छे से इसको ब्रश से कपड़े से जैसा आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप सफाई कर ले इसको अच्छे से। तो यहाँ पे थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाश सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके जो बूस होते हैं यहाँ पे आप पेचकस घुसा के, ताकि इससे क्या होगा गंदगी हमारा ये साफ़ कर देगा, डस्ट नहीं रहेगा तो ये जाम नहीं होगा फैन। तो यहाँ पे बूस को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से आपको भी ये वाश सॉल्यूशन लेके यहाँ अच्छे से कपड़े लगा के बूस में साफ़ कर लेना है, फिर आपको ग्रीसिंग करना है। बूस में कभी भी वेल ग्रीसिंग होता है क्योंकि इसमें बैरिंग की तरह बॉल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ये क्लीन हो गया हुआ है, यहाँ पे कितना अच्छा क्लीन हो गया बूस हमारा। और उसी प्रकार से ये जो आगे वाला बूस है उसको भी हमें इसी प्रकार से ये वाश सॉल्यूशन कपड़े में अच्छे तरह से गीला कर लेना है कपड़े को, और इसको भी उसी प्रकार से हमें बूस साफ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों बूस को अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है। अब बूस क्लीन करेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टेटर है इसको हम इसमें फिक्स करेंगे। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, तो आपको ये इस प्रकार से अगर आगे से सेट करना है तो वायर आप पीछे ले लें। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख लेना है। अब क्या करेंगे हम थोड़ा थोड़ा पहले इसको सेटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने थोड़ा सा लगा दिया इसमें, और थोड़ा थोड़ा मैं जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके जो स्टैंड है जो इस पर रुके हुए स्टेटर उसको मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ इस प्रकार से ये पंच से थोड़ा इसको उल्टा रखना है, और ताकि ये बराबर रहे छिंच लेना उल्टा करके थोड़ा थोड़ा इसको सेटिंग कर लेना है, तभी हमारा कॉइल अच्छे से बैठा लेना है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरह से सेटिंग कर दिया है कॉइल, जैसा कि
पहले वाला कॉइल मैंने यहाँ निकाल के रख लिया है और इसको मैं अच्छे से सेट कर दिया हूँ। देख सकते हैं आप कितने अच्छे सेटिंग हो गया इसका। अब हम इसमें इस जो सापट रोलर है ये देखिए यहाँ पे, इसको भी सफाई करेंगे पहले अच्छे से पूछ कर। थोड़ा जंग खाया हुआ है तो जंग को क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा ये पेपर से थोड़ा घिस देंगे। ये जंग पेपर बोलते हैं इसको घिसने का, तो इस प्रकार से हमें घिस के थोड़ा अच्छे से सफाई कर देना है ताकि ये करेंट अच्छे से ये रोलर इसमें घूम सके कॉइल के अंदर पूछ कर। तो इसमें भी क्या करना है, वाश सॉल्यूशन लेके थोड़ा इसको भी अच्छे से सफाई कर लेना है। ये जितने भी डस्ट होंगे वो सब अच्छे से सफाई हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग करना है, तेल और ग्रीस इसके बाद यूज करना है हमें। उसको तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीसिंग करना पड़ेगा अच्छे से, ग्रीसिंग और तेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रीस लगा लेते हैं थोड़ा, और इसमें बूस के भी अंदर लगाना पड़ेगा हमें। जैसा कि इसमें भी हमें ग्रीसिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ये मशीन में जो तेल डालते हैं हम सिलाई मशीन में, वो भी तेल डालना पड़ेगा हमें इस पर भी। इससे क्या होगा, अच्छे से स्मूथली चलेगा मोटर हमारा। तो अब हम चलिए इसको सेटिंग करने वाले हैं। जो इसमें गुने का निशान दिया हुआ है आटे इसको बोलते हैं, तो हमें इसको इस प्रकार से लेना पड़ेगा। और ये वाला जो है ये आगे का और रहता है, तो हमने निशान मारा था तो निशान जैसे मारा था हमने उस प्रकार से ही लेना है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं निशान हमने किधर से मारा था। यहाँ आप देख सकते हैं ये निशान मैचिंग करा देते हैं हम। एक्स्ट्रा हम हटा देते हैं इसमें ग्रीसिंग जो एक्स्ट्रा वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 वोल्ट हमें कुछ इस प्रकार से लगा देना है जैसे था पहले वैसे। क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा कस देना है, और हमें यह भी देखना है कि इसके अंदर ढक तो नहीं है। ढक होगा सापट में तो फिर चलना मुश्किल होगा इसको, फिर हम उसको सही करेंगे अगर हमारा फिट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको अच्छे तरह से सेट करके हमें जो 2 बोल्ट था वो भी लगा देना है हमें। लगा देने के बाद थोड़ा ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ इसमें ढक नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ढक नहीं है दोस्तों, थोड़ा भी ढक नहीं है इसमें। और इसको अच्छे तरह से यहाँ से टाइट कर ले। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा सेटिंग है वो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो 4 वायर निकले हुए हैं, तो पहले हम दोनों को रेड वाले एक जगह करेंगे, और यहाँ पे इसको कैपेसिटर लगा लेते हैं कि हमारा जो फैन जो है वो सेट हमारा बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हमने कैपेसिटर लगा लिया है, अब इसमें हम वायर लगा के चेक करते हैं कि हमारा ये फैन चालू हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ इसको लगाते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा अच्छे से वर्किंग करने लग गया है। तो ये इसका मतलब हमारा फैन बिल्कुल ही अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ नज़र रखिए, यहाँ पे आपको देखिए दोनों तरफ चल रहा है। तो हमें ये रेड और इसका ये कनेक्शन होता है सीधा वाला, तो हमारा ये अच्छे से वर्क करने लग गया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से टाइट करके जैसा था वैसा अच्छे से सफाई करके टाइट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। बिल्कुल फ्री है और अच्छे से सेट हो गया हुआ है, और ये हम चालू करके भी देख लिए हैं, इसमें भी करेंट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला वायर कनेक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे देख लेते हैं कैसा है, पीछे खोल लेते हैं इसका क्या क्या सिस्टम चालू है।
सकते हैं दोस्तों कितनी गंदगी है, इसको हम सफाई करेंगे ब्रश से अच्छे से। वायरिंग चेक करेंगे, वायर हमारा अच्छा है, कटा खराब तो नहीं है। तो ये लगभग दोस्तों वायर भी देख सकते हैं, यहाँ पे चूहे ने वायर काटा हुआ है, तो हम वायर भी ये चेंज करेंगे। ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया है डेड। अगर इसको हम चालू भी करेंगे तो ये चालू बंद नहीं होगा सही से, क्योंकि ये जंग लग के ख़राब हो चुका है। तो हम इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, सभी को कनेक्शन कटिंग कर देंगे। और ये वाला देखेंगे इसमें कितना है, ये 2.5 का कैपेसिटर है। इसकी स्पीड हम देखेंगे, स्पीड अगर अच्छा होगा तो हम यही यूज करेंगे, नहीं तो हम नया कैपेसिटर लगा लेंगे। इसमें सभी को कटिंग कर लेना है यहाँ से। ये कैपेसिटर है, इसमें देखेंगे कि कैसा काम कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये भी वायर ख़राब है, इसको भी कटिंग करके हटा लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा वायर नहीं है। को हम यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से अगर इसमें आ जाते हैं तो इसमें ही तीनों वायर हम डालेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे मैं कनेक्शन इसको कर रहा हूँ तो ये रेड ब्लैक जो है लाल और काला एक में जोड़ देना है, जैसे कि ये हमारा रनिंग का हो जाएगा, यहाँ पे मेन हो जाएगा हमारा रनिंग का। तो कुछ इस प्रकार से इसको वायरिंग कर लेना है हमको, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमको टेप लगा देना है, चालू है ना प्रकार से। देखिए ये हमने दो वायर को ये रनिंग निकाल लिया है, एक उल्टा सीधा का निकाल लिया, हमको सीधा चलाना है। रेड पे रखेंगे तो सीधा चलेगा कनेक्शन दोस्तों, रेड पे ही चलना चाहिए सीधा। ये दोनों लाल काला और रेड पे रखे, ये ब्लैक को पहले टेप लगा दे। तो हम नीचे से इसमें एक यहाँ से, और दोस्तों कैपेसिटर भी ये वाला जो ख़राब था तो हम ये नया वाला कैपेसिटर लगा रहे हैं। इसका पावर है 2.5 MFD के ले रहे हैं, और ये जो था ये 2.5 का ही था, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका था, तो हम नया लेंगे ताकि हमारा स्पीड अच्छा खासा देगा। तो दोस्तों ये हमारा लगभग कनेक्शन हो गया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। अब इसको अच्छे तरह से हमें टेप लगा लेना है। तो ये देखिए जो रबर है, मैंने इसमें सुपर ग्लू गन से, ये देखिए ये ग्लू गन से मैंने चिपका दिया है, फेविकोल किसको बोलते हैं। अब हमको इसमें ही वायरिंग करना है। तो ये वाला कैपेसिटर है वो अच्छा नहीं है, कम स्पीड इसका रनिंग का स्पीड कम दे रहा है, ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर ख़राब हो गया हुआ है। सो वायर में लगाते हैं, इसको इस प्रकार से बांध देना है। तो ये देखिए हमारा ये बंध गया अच्छे से, ताकि अगर पंखा हिलडुल नहीं होगा हमारा, यहाँ से कटिंग कर देना है। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो रेड वाला है वायर वैसे ही छोड़ना है हमको, और यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जो वाइट वाला वायर दिख रहा है आपको, तो ये दोनों कैपेसिटर में जाएगा और ये मेन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लाइन देने से पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ये मेन रहेगा, ये मेन चला जाएगा, और एक यहाँ पे टच करेंगे उल्टा चलेगा, उसमें नहीं डालना हमको, जो सीधा चलेगा उसमें डालना है। जैसे कि मैं वीडियो में देखते रहिए, मैं बताऊंगा बाद में। तो हम अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको जाली लगाएंगे और इसमें पत्ती कसते हैं। चलिए इसको जाली को पहले सफाई करेंगे। तो जाली है कुछ इस प्रकार का है, इसमें इसको पहले अच्छे से सफाई करूँगा, और इसको मैंने पंखड़ी को सफाई अच्छे से कर लिया है। चलिए इसको जाली को अच्छे से सफाई करते हैं। 2 पिन प्लग आते हैं, उसको हम लगाएंगे इसमें। थोड़ा वायर अच्छे, ये बाहर के लिए 220 के लिए रखेंगे हम, 220 वोल्ट में जो हम लगाएंगे उससे फैन हमारा चालू होगा। ये 2 पिन प्लग हमको लगा लेना है 220 के लिए, 220 वोल्ट के लिए पुश कर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने प्लग लगा दिया इसमें, तो वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लग जाता है दोस्तों, इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट में मैंने डाल दिया है, इधर देखा,
अब यहाँ पे हम एक जो रेड वाला है रनिंग का है, और इसमें देखेंगे उल्टा सीधा कौन सा चल रहा है। इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये टेबल पे रखा हुआ है, टेबल हिल रहा है हमारा, तो ये उल्टा है। और यहाँ पे ये देखिए ये उल्टा चल रहा है, तो ये उल्टा वाले पे टेप लगा देना। ये देखिए सीधा हमारा चल रहा है फैन मोटर का पुल्ली। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने सभी का कनेक्शन कर लिया। यहाँ पे गांठ लगा दिया ताकि अगर खींचेंगे तो ये हमारा फैन का ये वायर नहीं निकलेगा जल्दी से, ये मेन वाला वायर हो जाएगा। तो कनेक्शन हमारा फुल हो गया हुआ है, हम सभी में टेप लगा देंगे पुशकर। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा पूरा ये वायरिंग भी रेडी हो गया हुआ है, जाली लगाना और पंखरी लगाना बाकी है। तो चलिए हम इसको कस लेते हैं बंद कर। यहाँ पे हम इसको टाइट कर दिया हुआ है। टाइट करने के लिए ये देखिए हमारा ये फैन ओके रेडी हो गया है, कम्प्लीटली रेडी हो गया। अब इसमें हमको पत्ती लगाना है और इसका जो भी जाली है वो लगाना है। कर से हमें पीछे वाला जाली टाइट कर लेना होता है। यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, बोल्ट स्क्रू जो भी कह सकते हैं आप, छोटे वाले स्क्रू है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें टाइट कर लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमको यहाँ पे पत्ती लगाना है। कुछ इस प्रकार से इसमें सेट करना होता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ इस प्रकार से रख के और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेटिंग करना पड़ता है स्टिकर, ताकि अच्छा भी दिखे और बीच में कुछ होल भी ना रहे, बंद हो जाए होल हमारा। इस प्रकार से बैठाना पड़ता है। तो ये देखो उस प्रकार से फंसा देना है, बस हमारा रेडी हो गया फैन कुछ इस प्रकार से। तो ये देख सकते हैं हमारा ये फैन पूरा कम्प्लीट हो गया है, पूरा कम्प्लीटली हो गया हुआ है। अब इसको हम ये देखिए प्लग लगा के देखते हैं कैसा कंडीशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसकी चाल है दोस्तों, बिल्कुल आवाज़ नहीं, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। पंखड़ी हमारा पुराना है फिर भी हवा बहुत ही ज़्यादा दे रहा है, हवा बहुत ही ज़्यादा हवा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रुकने नहीं दे रहा है, इसको भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हवा दे रहा है, बहुत ही अच्छा स्पीड चल रहा है फैन। तो ये हमारा आप इसी प्रकार से देखा होगा आपने, मैंने क्या क्या चेंज किया, कैसे क्या इसको रिपेयर किया, तो कितना ख़राब था, कितना डेड, बिल्कुल डेड ही था, कैसे ये चालू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।